लोगों ने हटाने की कोशिश करी गई ना, बिल्कुल। मतलब मेला 10-12 साल ने छोड़ के पहली याद है ना, जी जी। क्योंकि बार बार कोर्ट को नोटिस आओ, बार बार ऊपर से आदेश आओ, जना आकी मजबूरी हुआ है। मां चाह रहे हो कि तारो परमानेंट कोई व्यवस्था हो जाए। 20 रुपये लिए तारा कार्ड बनाया गया, एक एक आदमी को नाम नगर पालिका में दर्ज करा लियो। ऐ जगह कई साल से जगह काम करेड़ा है, बाका सबका मार्कन रिकॉर्ड है, वो नहीं हो आज को लोग भी वो क्यों को नहीं होगा। तो इन्हें सारा सारा इको सौंदर्यकरण कराऊंगा और कियोस्क बना के परमानेंट जगह का कार्ड बनगा बंद तो बयान दे देंगे, और बाकी जगह बचकी बाकी लॉटरी कर देंगे। मैं तो करिए जरूर, ठीक है, लॉटरी कर देंगे। अब लॉटरी में जगह को नाम आसी वो आ जैसी, एक सब्जी को एरियो कर देश, एक तरफ बाजारों को एरियो को, एक तरफ चाय को एरियो को, वो एक सिस्टम बांट देश अलग अलग चीज़ें। भाई ये अठन है समोसा, समोसा चाल सी रटन, मिठाई चाल सी रटन, ठीक है। और बांका मालिका ना हक नगर पालिका का रहेगा, लेकिन आप लोगों को लीज पे दे दिया जाएगा 99 साल पर। बिल्कुल सही बात, तो धनजी सुन रहे हो। और वो ट्रांसफर नहीं होगा कि कभी ये नहीं कि कोई ये ले तो लियो और पाँच वो दूसरा बेच जाए, मतलब दूसरा बेच जाए, मतलब दूसरा ऊपर किराए पर दे जाए, तो बिकी भटे तुरंत प्रभाव से एक सरता में डाल दियो कि निरस्त कर दिया जाएगा हाथों हाथ उसका आवेदन, ठीक है। तो कदे मान लो हाईकोर्ट को डंडो या को पड़ जाए कि एक साथ सब ने बेदखल करना पड़ा, मैं बात चीज कौन चाहूँ। मैं चाह रही हूँ कि गरीब आदमी होता साल से अपनी रोजी रोटी करे हो, और तो तारी थारे व्यवस्था कियोस्क के माध्यम से जहाँ बड़ा सारा का आई करी गई है, तो तारी कियोस्क बनवा दिया और वह व्यवस्था कर दिया बढ़ाई दियो, ठीक है। सब लोग सुन रहे हो ना साहब, और आप लोगों का जो आठ का मामला है ना, वो आप सोमवार मंगलवार को एक बार नगर पालिका में बैठ जाना, फिर आप लोगों का भी स्थायी समाधान कर देता हूँ मैं। जो नक्की काम हो पाल तो मैं नोटरी नटेरी ये सब खत्म हो, जो एक साइज इस तरह ही कर देंगे कोई, जो सबके ठीक हो जाएगा, एक बैठने का हमेशा का ठिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे सब लोग भाई कोई कुछ भी बोला आप बात ध्यान से सुन लीजिए। और जगह पहले सुठे काबिज है, जगह कार्ड बन का कोई दलाल टाइप आदमी आगे कह कि मैं तन करा दूंगा वो करा दूंगा, सब फालतू की बातें हैं। तनाज ही कह दूँ मैं जगह भी का मैं नाम है भेजूंगा, कोई नहीं भी टक्को मत दे दीजिए। नंबर दो भी का बाद में जगह बचेड़ी जी की दुकान है जी, मान लो 100 गिर 50 बच गई, 150 बढ़ेंगी है, तो वह 50 की लॉटरी निकालूंगा, समझ गए, लॉटरी सबके सामने बैठ के SDM और तहसीलदार चेयरमैन जी भाई साहब और EO साहब सारा बैठ के लॉटरी निकालेगा। अभी मैं जगह को नाम आ जाएगा बाल लोगों ने आवंटित कर दी जाएगी, यह चीज क्लियर है ना। बे लॉटरी भाई ये नहीं पड़ेगी पर्ची, हाँ बे जका जका की दुकान है भाई, कोई नहीं पड़ेगी, इतने भाग का परिवार की पड़ेगी, मेरे से बना दियो, ठीक है ना। बंक ठीक है ना, ये वाला है और ये वाला है, ये वाला मैं समझ रहा हूँ, चाहते कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मेन रोड वाली ने, हाँ क्योंकि इस पे कल भगदड़ मच जाए मेले में, मेले में भगदड़ बच जाए तो आदमी घटके निकलेगा, तो फ्रंट को देखने तो सामने वो मार्केट आ रही है, क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, कोई जरूरी है क्या? क्योंकि जो ऑलरेडी जो लगे हुए इतने सालों से उनकी तो सब एडजस्ट हो रहे हो, तो अगर इनकी इधर लगी हुई ना इन सेट कर देंगे, इधर सेट कर देंगे, वो सेट कर देंगे ना, नहीं ये हो रही है ना, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, सामने कर देंगे, क्योंकि इसको खाली रखो। एक बताइए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मान्य हो रहे हैं, आप भी मान्य हो रहे हैं, फूके वाले लगा रहे हैं, से लगा रहे हैं, हाँ तो उनको देंगे, सुन रहे मेरी बात, नहीं बात नहीं अभी इसको ये खाली रखना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी राय है ये सही रहेगा, ऐसा सुंदरता भी बढ़ेगी, ये सुंदरता भी सब पूछ रहे हूं भाई, ये ऊपर रहो सर, ये ऊपर ये देखेगा ऐसे स्टेयर्स लगा के और उस पर पार्क हो जाएगा, भाई साहब पूछ रहे हूं पूरा लंबा छोड़ देंगे, पूरा लंबा छोड़ के और पीछे वाले गेट को डाउन कर देंगे जिसके अंदर झूले वूले लग सके, इधर ये गेट छुटी रहे, इधर से सामान लेकर अपना अंदर जा सकते हैं, बाहर की बारी उस साइड हाँ ये कर देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आना था जी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये रास्ता वैसे 20 फीट घुमा दे तीनों तरफ, ये कितना है, ये 20 ही होगा, 20 आराम से, इतना आवश्यकता नहीं है, बड़ी ना कम करो, 12 फीट बहुत है, इसकी आवश्यकता नहीं है उधर, न तो कोई साधन जाने, जो जाने इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, उनको दो घरों के बाहर से आदमी निकल जाएगा,
बाइक वगैरह निकल जाएगी। हाँ बस ये निकल जाएगा, तो छोटा सा हो जाओ को छोड़ दो कि मतलब कोई कोई चीज़ को, क्योंकि दुकान पीछे हटेंगी, बटन पे बटेंगे, बटन पे बटेंगे जना भाई, बहुत छोटा सा हो जाओ भाई। कोई और कोई सुझाव मेरा जो सोचा है, इसको अपने को खाली रखना चाहिए यहाँ तक, इसको खाली रखना चाहिए और इसको यहाँ तक अपने को कवर करना है। और इस पे सीढ़ी चढ़ा डॉक्टर साहब, 1 2 3 4 4 के ऊपर अपने को बड़ा चबूतरा बना दिया और उस पे लाइटिंग लगा के चेयर लगा दी, कुर्सियां लगा दी, मेले के समय लोग वहाँ पे आराम से बैठ सके। दुकानें जो आवंटित करनी होती है दुकानें अपन तरीके से आवंटित कर देंगे, वो चौक ऐसा हो गया जहाँ पे लोग आराम से वहाँ पे बैठ जाए। और कोशिश करेंगे कोई सिस्टम बैठ गया, मान लो उन्होंने अपना स्वीकार कर लिया तो अपने बारदरी बना देंगे, 5-10-12 दरी होगी ना, जिसमें बारिश भी आ जाए तो आदमी उसमें बैठ गया। तो बनाना इसको बारदरी वाले हिसाब से ही है, पूरा एकदम छतरियाँ देख के समझ रहे हो ये क्योंकि वो जल्दी प्रपोजल भेज रहे हैं 5-4 दिन के अंदर अंदर, वो उन वहाँ की सहमति बन जाती है तो ठीक है, नहीं फिर अपन अपने हिसाब से इसको स्टेप बाई स्टेप कर। ये वाला इसमें से हटा दो ठीक है ना, ये लास्ट ये रखो लास्ट ये पूरी लाइन ही रास्ता कितने का है दिख रहा है, कितने फुट का है? 18 फुट का है ना, तो ये तो रहने दो 18 को, इसको हाँ इसको तो 18 का रहने दो, ट्रक चला जाएगा 18 में आराम से, और ये जाके और इसको घुमा दो। नहीं नहीं ये यही घूमेगा क्योंकि ये तो वो है लास्ट वाला, ये तो लास्ट वाला ही मंदिर आ गया ठीक है ना, ज़्यादा रास्ते छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें, समझ लो जो पुराने यहाँ पे कब्जे सुधा है फर्स्ट प्रायोरिटी इनको अपने को यहाँ रखने की, और फिर जो बच जाएंगे कियोस्क उनकी अपन लॉटरी करेंगे ठीक है ना, ताकि इनके पेट पे किसी के लात नहीं पड़े बेचारों के, और हमेशा के लिए झंझट भी खत्म, इनका भी एक सेफ्टी हो जाएगी कि अब कोई नहीं आएगा ठीक है ना। इस तरह का लेटर सबको जारी कर रखा है, वो आप देख लो कितने लोगों को जारी कर रखा है, इसकी साइज क्या रखी है कियोस्क की? कितनी होती है 6x6? 6 फीट लंबी, जैसे मान लो ये है आज भी ठीक है ये साहब, आप चेक करवा लो अगर किसी इनको पहले से कहीं जमीन अलॉट गवर्नमेंट ने कर रखी है और यहाँ आके इसलिए कब्जा कर लिया कि इनको और मिल जाए तो वो चीज़ संभव नहीं है। जिनको नहीं मिला है कहीं पे भी नहीं मिला है उनको अपन कहाँ पे पुनर्वास कर सकते हैं इन गरीब आदमियों का, वो अपने ऊपर है। देखो साहब मारे 20 साल हो गए माने थे पड़िया ने, मारे को जगह है कोई बात नहीं है, खाली बूढ़िया की जोड़ी जगह पर झूठ कोने को ना पत्थर पर है, सरकार की दी हुई है ना। हां सरकार की दी हुई है, बूढ़िया का नाम है मां, मारे नाम कोने मां, 20 साल हो गया थे पड़िया। आप एक बार देख लो इनको, 20 साल हो गए है ना, उनको तो दोबारा आप सरकार में बेनिफिट दे नहीं सकते। बाकी जिनको नहीं मिला है ना उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो और उनको अपन कहाँ कर सकते हैं, नागरिकता भी अभी पूरा की है। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से और लगभग 2-3-4-5 सालों की आपकी जो मैंने जो सपना लिया है बाबा राम सा पीर को जीर्णोद्धार के सूर्य मंडल और रामदेव प्रांगण में, किस तरीके से इस सपने को आपने लिया? हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे नवलगढ़ की नाक है, बाबा राम सा पीर का ये जो दरबार है, यहाँ पे मेला ग्राउंड भी है, हमारा सूर्य मंडल ऐतिहासिक ग्राउंड जो हमारे झुंझुनू का नवलगढ़ का है वो भी है। तो जो लोग यहाँ पे सालों से थड़ियाँ कच्ची थड़ियाँ लगा के जो अपना परिवार पालते हैं, कई बार सरकार की भी ऐसी ऐसे आदेश आ जाते हैं, कई बार माननीय न्यायालय के भी आदेश आ जाते हैं कि इनको सबको हटा के अतिक्रमण मुक्त करो। हम चाह रहे हैं कि ये जो 20 साल 30 साल 40 साल हमने क्राइटेरिया तय कर दिया और उनके सबके हमने आइडेंटिफाई करके कार्ड भी बना दिए गए हैं, कार्ड बना कर इनको सबको कियोस्क आवंटित की जाएगी, जो पहले से यहाँ पे मौजूद है उनको तो कियोस्क फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो बच जाएंगे कियोस्क उनको हम लॉटरी सिस्टम रखेंगे, ताकि जो ये अव्यवस्था का जो माहौल रहता है आपको पता है कि यहाँ से सब लोग गुजरते हैं। दूसरा माता बहनों के लिए शौचालय वगैरह की बुज़ुर्गों के लिए वो व्यवस्था भी कर रहे हैं, मेला ग्राउंड को भी हम लोग अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा हमारा जो रामदेवरा चौक है वो एक ऐतिहासिक चौक हो, और इसमें एक मसाला चौक की स्थापना कभी करवा रहा हूँ, ताकि शाम को लोग बाग आके आराम से वहाँ पे बैठ सकें, परिवार के साथ आ सकें, कुछ समय शांति से बिता सकें, बाबा के दर्शन कर सकें, आके हम आराम से घूम सकें।
तो ऐसा हमारा चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सारे प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने यह तय किया है। और ये जो रोडें टूट गई हैं और पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी कर रहे हैं कि पानी की सारे का सारा नीचे हम लोग चेंबर बना के और उस पानी को यहाँ से दूर लेके जाएंगे ताकि गंदे पानी की समस्या भी हट जाए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये मेरा सपना है शुरू से, आज पता आपको 7 साल से लगा पड़ा हूँ इस काम के लिए। तो इन गरीबों का आहित नहीं हो, किसी के पेट पे लात नहीं पड़े, सबका परिवार भी चलता रहे और जो जायज हो, जो न्याय के संगत, उन व्यक्तियों को यहाँ पे काम मिल जाएगा सबको, ऐसी व्यवस्था। कियोस्क जो यहाँ पर स्थापित है उनके लिए कियोस्क, इसके अलावा और लॉटरी सिस्टम, मतलब बहुत बड़े स्तर पर नगर पालिका रेवेन्यू का भी आपने मतलब जी भाई नगर पालिका, देखो आज शहर को साफ करना है, अगर आमदनी नहीं होगी, जैसे अभी आपने देखा हो 3 लोगों ने वहाँ पर लगा रखा है, वो आराम से कमा रहा है वहाँ पर। मैंने पूछा कि भाई आप परमिशन किससे ली, बोले नहीं मेरे को तो कहा कि लगा ले यहाँ पे। अब वो पैसा तो कोई ना कोई ले रहा है, उस गरीब आदमी से पैसा कोई ना कोई ले रहा है, तो वो अगर राजकोष में आता है तो आज वो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरा ये सोच है कि ये कियोस वगैरह सब होंगे तो इनको हम लोग लीज कर दिए जाएंगे, और लीज में भी ये कंडीशन होगी कि अगर उसने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की या किसी दूसरे को किराया देने की कोशिश करी तो उसी दिन आवंटन रद्द कर दिया जाएगा उसका, ताकि उसके परिवार का कम से कम पालन पोषण हो सके। वरना लोग बाग आजकल बेचारे को उसको लालच दे के कह देते कि हम इतना किराया दे देंगे और वो हमेशा के लिए उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो वो चीज़ भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे कि इस तरह का कोई काम नहीं हो। तो शेष क्यों उसके उसकी जो भाग लेने की, तो क्या नौगढ़ शहर या पूरा क्षेत्र उसमें मतलब जो नहीं उसका उसका हम लोग कानूनी राय लेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है सारे कानून विज्ञ हैं आजकल, तो हम लोग कानून उसमें कानून से हम लोग राय लेंगे, विधिक राय लेके, और उसका बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से, यानी पूरे पब्लिक के सामने पूरे प्रशासनिक अधिकारी एक बच्चे से लॉटरी निकालेंगे ताकि कोई आदमी अंगुली नहीं उठा सके। हम चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए सब समान है, कोई भी आएगा वो हमारा ही है। तो मेरी सोच यही है कि उसमें पारदर्शिता बरतते हुए और लॉटरी सिस्टम रखे ताकि उनको आवंटित हम लोग कर सकें। इसमें मसाला चौक का प्रावधान भी मैंने आपको बताया, मसाला चौक का भी है, एक नाइट बाजार का भी है, यानी लाइटिंग वाइटिंग होगी शाम को तो आराम से लोग बाग आना जाना, लोग वहाँ पे अच्छा लगेगा सबको। आप जब प्लानिंग वर्क ऑन अध्ययन कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे अधिकारियों से, तो हम सब लोग नौगढ़ शहर से हैं, हमने भी उस जिम में खोए हैं, मतलब आने वाले दिनों में लगता है कि सब लोग सुरक्षित रूप से घरों से निकल के 12 बजे तक यहाँ रह सकते हैं परिवार के साथ में। एक नया नौगढ़ मुझे लग रहा है कि इस बार मतलब और अच्छा स्वरूप में दिखने को मिलेगा इस आपके नाइट बाजार में। जी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कैमरे से लेस होगा पूरा हमारा ये पूरा चौक, वैसे तो शहर को भी कर रहे हैं लेकिन इसको विशेष निगरानी रखी जाएगी, पुलिस की चौकी की भी स्थापना यहाँ पे की जाएगी ताकि पुलिस वहाँ पे 24 आवर्स रह सके, मेला ग्राउंड मेला के बाद भी मतलब 12 महीने पूरा का पूरा। और जो परिवार सहित यहाँ पे लोग आएंगे उनको एक अच्छा महसूस होगा कि हम लोग हमारे इस नवलगढ़ शहर के अंदर जो आज के वर्तमान की आधुनिक जो चीज़ें लोगों को चाहिए, आजकल के न्यू जनरेशन को, वो सारा मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मिलें। और हमने निवेदन किया है कि हमारे सामने भावना जताई है हमारे इस धरती के लाल हमारे स्वर्गीय कमल मुरारका जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती भारती मुरारका जी ने कहा है कि वो कमल बाबू की याद के अंदर कुछ वो करना चाहती हैं, बहुत कुछ किया उस परिवार ने लेकिन और कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग प्रपोजल भेजेंगे। और हमारे भामा साहब और भी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे और सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग उसमें हम लोग करेंगे। और मेरा टारगेट है कि इसको मैंने चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को, हमारे सब भाई साहब कैलाश भाई साहब को कहा है, सभी पार्षदों को कह रहा हूँ, एक टारगेट दिया है ईओ साहब को कि 2021 के अंदर ये कागजों से निकल कर हमारा ये सपना धरातल पर आना चाहिए ताकि नवलगढ़ की जनता आजीवन 7 पीढ़ियाँ इस बात को याद रख सके। सबसे बड़ी चुनौती हमें लग रहा है जिस तरीके से राजनीति कर कई लोग करने लग जाते हैं, अतिक्रमण को हटाना, अतिक्रमण हटाना वो एक बड़ी चुनौती मतलब मुझे लग रहा है कि होने वाली है। मैंने कहा कि जो यही अतिक्रमण वाले मामले से मेरा वो भय है कि अगर मान लो कि बेचारे कभी कोई इस तरह का कानून आ गया कि सबको इनको 40-40 साल से जो लोग अपने परिवार का पालन कर रहे हैं उनको हटना पड़ जाएगा, तो ये उसके बाद तो अतिक्रमण करने का मतलब ही नहीं है। जब एक बार ये सारा सिस्टम सेट हो गया तो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे कि कोई व्यक्ति उस पर आके अतिक्रमण कर सके, ये मेरा दावा है इस मामले में। कमल मुरारका की स्मृति में जो मूर्ति भी बनेगी, आप उनके साथ भी रहे हो, अब उनकी यादाश्त और परिवार तमाम लोग एक इमोशनल का दौर और विकास का दौर पूरा एक सामंजस्य स्वरूप राम सपीर के प्रांगण। देखो हम चाहते हैं कि वो ऐसे भामा साथी उनकी स्मृति है ना, वो आने वाली 7 पीढ़ियों तक रहे, तो उनका परिवार भी ये चाहता है, हम चाहते हैं कि उनका परिवार का पूरी व्यवस्था नवलगढ़ से उनका जुड़ा रहे, पूरा मन उनके साथ में रहे। तो
अगर ऐसा मौका मिलागा तो सौभाग्यशाली होगा कि कमल बाबू को श्रद्धांजलि देने का एक अच्छा तरीका होगा। तमाम उपलब्धि भी विशेष उपलब्धि के रूप में हमें दिख रही है कि एक नया वाकई मतलब कहने को लग रहा है कि कुछ अलग बनने जा रहा है। शत प्रतिशत बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, और मैंने सभी व्यापारियों से निवेदन कर दिया है कि इसमें आप सब लोगों का हित है। अगर कोई व्यक्ति आके कोई अगर किसी को आके गुमराह करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है जनहित में हो रहा है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के लिए हो रहा है।